नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है, परंतु ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, लेकिन जीवन में अगर पितृ दोष है तो सिर्फ श्राद्ध से बात नहीं बनती। शास्त्रों के अनुसार गया में पिंडदान करना पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। पितृ दोष क्या है? जब व्यक्ति के पितर अपने कर्मों या किसी अन्य कारण से मुक्ति नहीं पाते तो उनकी आत्मा संसार में भटकती रहती है। इसका असर उनके वंशजों पर पड़ता है, जिसे हम पितृ दोष के रूप में जानते हैं। पितृ दोष के लक्षणों में आर्थिक समस्याएं, संतान प्राप्ति में कठिनाई, वैवाहिक जीवन में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शामिल होती हैं। पितरों की तृप्ति के लिए एक पूरे पखवारे को निश्चित किया है, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। मान्यता है इन 15 दिनों में हमारे पितृ पृथ्वी लोक में रहते हैं, इसलिए पितरों की पूजा के रूप में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कार्य किए जाते हैं। लेकिन गया को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थान माना गया है, जहां पर पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। क्यों करते हैं गया में पिंडदान? ऐसा माना जाता है गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार होता है और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर नामक असुर ने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था कि उसके शरीर पर यज्ञ करने से पितरों को मुक्ति मिलेगी। तब से यह स्थान पिंडदान और तर्पण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है उसे गया जाकर पिंडदान जरूर करना चाहिए।